A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes in class 11th comma subject economics. We were discussing about the law of a variable, a proportion or a return to a factor. And this concept we have covered the various stages and these stages were ये डायग्राम अपन बना चुके थे, इसके बारे में अपना डिस्कशन भी हो चुका था। दिस वन इज टीपी, एपी, एमपी। स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। स्टेज वन के बारे में अपन बात करें तो स्टेज वन क्या है? स्टेज वन, इसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में होता क्या है? इसमें टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, सेकेंड थिंग एमपी इंक्रीजेस, एंड देन एपी इज लेसर देन एमपी। एपी एमपी से कम होता है, एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट से कम होता है। अब बात ये है कि भी ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई होने का कारण क्या है, कॉजेस। इसका पहला जो कारण आता है वो आता है फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इस चीज को यूं समझिएगा कि मान लीजिए कि एक मशीन है, ये मशीन है, इस मशीन पर जो प्रोडक्शन किया जाता है या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किया जा सकता है वो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है मैक्सिमम। ये मशीन आपके लिए फिक्स्ड रिसोर्स है। अब इस पर आपको लेबर इंप्लॉय करना है, बिना लेबर के तो काम होगा नहीं, लेबर लगानी है। वो लेबर आपके लिए क्या हो जाएगी? वेरिएबल इनपुट। लेबर क्या हो जाएगी आपके लिए? वेरिएबल इनपुट। अब अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कम से कम आपको यहां पर 10 आदमी लगाने पड़ेंगे, यानी कि हाउ मेनी वेरिएबल फैक्टर्स आर देयर? 10 लेबर इज अ मस्ट रिक्वायर्ड। 10 लेबर की जरूरत है यहां पर, तब आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब शुरुआती दौर पर अगर इस मशीन पर अगर आप एक बंदा लगाते हैं तो इसका मतलब दिस मशीन इज अंडर यूटिलाइज्ड, ठीक है। और अगर अंडर यूटिलाइज्ड है तो 100 यूनिट प्रोड्यूस नहीं होंगी। जब 100 यूनिट प्रोड्यूस नहीं होंगी इसका मतलब आप अपने एफिशिएंसी लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने वेरिएबल इनपुट बढ़ाया, एक लेबर और बढ़ाया, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तीसरी लेबर बढ़ाई तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा, चौथी बढ़ाई तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा, पांचवा लेबर बढ़ाया तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा, छठा लगा दिया तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा। कारण क्या है? कि कारण यह है कि एक मशीन पर आपको 10 आदमी चाहिए, एक मशीन पर आपको 10 आदमी चाहिए, लेकिन आपने लगा कितने रखे हैं अभी तक? 6 आदमी। इसका मतलब अभी भी आप आइडियल रेशियो पर नहीं पहुंचे। इसका मतलब दिस फिक्स्ड रिसोर्स इज अंडर यूटिलाइज्ड इन द इनिशियल स्टेज। व्हेन द फिक्स्ड रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड बाय एम्प्लॉइंग मोर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स you will move towards the ideal ratio between the variable inputs and the fixed input.
दिस इज वाई द एफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड्स टू राइज. द एफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड्स टू राइज. अब प्रोडक्शन प्रोसेस की एफिशियंसी अगर बढ़ेगी देन एमपी विल इंक्रीज. एज अ रिजल्ट एमपी विल इंक्रीज. मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज करेगा. कारण क्या बताया, यहां लिख लेते हैं. इन द इनिशियल स्टेज व्हेन फिक्स्ड रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड by employing more of variable inputs you will move towards the ideal ratio between fixed inputs and variable inputs as a result efficiency of the production process tends to rise. Thus MP increases. और जब MP बढ़ेगा तो TP क्या करेगा, increases at increasing rate. इसीलिए TP increasing rate से increase करेगा. यह पहला कारण है. पहला कारण क्या था, fuller utilization of resources. Second जो reason आता है इसका, इस डायग्राम को हटा दें एक बार के लिए क्योंकि डायग्राम बंद कर चुके थे, इसको हटा देते हैं. इसका जो सेकंड रीजन आता है वो सेकंड रीजन आएगा आपके पास में बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. और डिवीजन ऑफ लेबर अगला कारण. इसका मतलब क्या हुआ, पहले जब अकेला आदमी लगा था तो इसका मतलब ये हो गया उससे सारे काम करने पड़ेंगे, वेदर ही इज कंफर्टेबल और नॉट, वेदर ही इज एफिशिएंट और नॉट इन ईच टाइप ऑफ वर्क. लेकिन जैसे जैसे आप आदमी बढ़ाते गए वैसे वैसे आप उन एम्प्लॉयज को उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से काम देंगे. यानी कि मशीन पर, मशीन फिक्स रिसोर्स है, वो 10 लेबर आपके लिए वेरिएबल इनपुट है. शुरुआत में आपने एक आदमी लगाया तो एक आदमी बेचारा कितना कितना काम करेगा, नहीं कर सकता ना. इसका मतलब बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है, सारे काम उसी को करने पड़ेंगे. लेकिन अगर आपने वो आदमी बढ़ा दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ते गए और आप 8, 9, 10 तक पहुंचते हैं, इसका मतलब नाउ यू विल अलोकेट द टास्क एज पर द स्पेशलाइजेशन ऑफ द लेबर. जो लेबर जिस काम को करने में एक्सपर्ट है आप उस काम को करने के लिए उसी लेबर को अपॉइंट करेंगे. ठीक है, तो यहां पर अपन लिखते हैं व्हेन द एडिक्वेट वेरिएबल इनपुट्स आर एम्प्लॉयड अलॉन्ग विद द given fixed factors we can allocate the task as per the expertization
और स्पेशलाइजेशन। ऑफ वेरिएबल इनपुट्स एज अ रिजल्ट एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड्स टू राइज। And MP will rise. और जब MP rise करेगा तो TP increase करेगा increasing rate से। अगला जो कारण आता है अपने पास में वो आता है better coordination। ये बता दूं क्या इधर वाला better coordination in the factor ratio। Better coordination between factors इसका सीधा सीधा मतलब यह हो गया कि when fixed resources are underutilized due to underemployment of variable inputs then the production cannot be achieved at its efficiency level। उसके efficiency level पर production करना संभव ही नहीं है क्योंकि machine पर काम करने के लिए 10 आदमी चाहिए, आपने काम करने के लिए एक या दो आदमी है, 8 आदमी लगाए हैं तो आप 100 units का production नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने आदमी बढ़ाया by employing more of variable inputs the ideal ratio can be achieved, ideal ratio between the factors can be achieved thus the efficiency level will rise, the production efficiency level will rise and MP will rise। इसका इफेक्ट क्या आएगा, MP आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ जाएगा। दीज वर द थ्री रीजंस बिहाइंड द इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तीन रीजन कौन कौन से थे, पहला रीजन क्या था, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड रीजन क्या पढ़ा अपन ने, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिविजन ऑफ लेबर। थर्ड क्या पढ़ा आपने, बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स या बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। पहला जो कारण था कि भाई एक ही चीज ध्यान में रखनी है, फिक्स्ड रिसोर्स है अपने पास में, वो लैंड है या फिर मशीन है। लैंड पर प्रोडक्शन करने के लिए आपको अगर 10 आदमी चाहिए, मशीन पर काम करने के लिए आपको 10 आदमी चाहिए, तब आप जितना प्रोडक्शन चाहते हैं उतना कर पाएंगे। लेकिन अगर उतने आदमी नहीं लगाए गए शुरुआती दौर में तो इसका मतलब वो फिक्स्ड रिसोर्स अंडर यूटिलाइज्ड है, और जब तक वो अंडर यूटिलाइज है
तब तक आप क्या कर सकते हैं, वहां वेरिएबल इनपुट्स बढ़ा करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसे ही क्या कहा जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि भाई जो डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर आता है उसके कारण क्या है, यानी कि कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक अपने जो कवर किया, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है देन यू मे सेंड मी योर क्वेरीज थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू, हैव अ गुड डे।